जरा सोचो क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजा पर रखी हो यानी दीन के लिए कोई बिल्डिंग बना रहा है मस्जिद बना रहा है कोई दीनी इदारा बना रहा है और उसके अंदर दो चीजे है की उस तमीर में अल्लाह का खौफ भी है और अल्लाह की रजा हासिल करने का शौक भी है की इसकी वजह से अल्लाह तला मुझसे राजी हो जाए या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खोखले गढ़े के किनारे पर रखी हो जो उसको भी लेकर जहन्नम की आग में जा गिरे इशारा है वसिद जरार की तरफ कि जिसके नीचे नियत का इखलास नहीं था ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता तो याद रखिए कि चाहे आप एक फिजिकल इमारत बनाए या किसी नेकी के काम को बिल्ड करें तो उसके नीचे जब तक इखलास की बुनियाद नहीं होगी उस वक्त तक जन्नत का हसूल मुमकिन नहीं अगर उसके नीचे धोखा और फरेब है तो फिर वो इमारत गिरेगी और इंसान को जहन्नम में ले जाएगी वो बजाय बड़ा सा नेकी का काम भी जन्नत में ले जाने वाला नहीं अगर अल्लाह के लिए नहीं किया जा रहा तो नेकी छोटी भी बड़ा फायदा दे जाती है आधी खजूर का सदका भी इंसान को जहन्नम की आग से बचाता है अगर वो अल्लाह के लिए किया गया हो और बड़े से बड़े कारनामे भी चाहे वो कुरान की तिलावत हो या पढ़ना पढ़ाना हो या शहादत की मौत हो या इसी तरह बहुत ज्यादा सखावत करना हो अगर वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं तो यही अमाल सबसे पहले जहन्नम में ले जाने वाले दिखावे की नेकियां जन्नत में नहीं ले जाएंगी जहन्नम में ले जाने वाली है तो इसलिए इंसान को सबसे ज्यादा फिक्र अपने इखलास की अपनी नीयत की होनी चाहिए और वो उस वक्त ज्यादा पता चलती है जब नेकी का काम करके आपको कहीं से कोई तनकीद सुननी पड़ती है तो आप कितने अपसेट होते हैं या फिर कितने राहत में होते हैं कि मैंने अल्लाह के लिए किया अल्लाह ने देख लिया वो कबूल कर लेगा इसलिए मुझे किसी की बातों की कोई परवाह होनी नहीं चाहिए क्योंकि बाजू का आप जब नेकी के बहुत कामों में आगे आगे होते हैं ना तो लोग बातें भी बनाने लगते हैं वो कहते हैं ये इसको बड़ा अपनी प्रोजेक्शन का शौक है हालांकि ऐसा नहीं होता तो फिर आप सोचते हैं अच्छा मैं अब नहीं करूंगी नहीं यही तो आपके टेस्ट हुआ था कि आप फिर भी नेकी करेंगे या नहीं क्या सिर्फ लोगों की तारीफ की वजह से नेकी करेंगे या उनकी तनकीद के बावजूद भी नैकी के काम नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिए कोई कुछ भी करे जो ठान ली है वो ठान ली वो करना ही करना है चाहे नतीजा दुनिया में उसका कुछ भी सामने आता है क्योंकि अल्लाह की रजा के लिए इंसान आजमाया जाता है इससे खुद भी इंसान को पता चलता है कि मैं भला ये काम क्यों कर रहा था वरना इंसान की बाजों का मिली जुली सी नीयत होती इतनी खालिश नहीं होती लेकिन फिर उससे क्या होता है पता चल जाता है जब इम्तहान आता है आजमाइश आती है तो इंसान को अपनी वर्थ भी पता चल जाती है कि मेरे अंदर कितनी साबित कदमी है फिर फरमाया हशतरा अन फुस वहम बेहूम युका

तोरात इंजील और कुरान सब किताबों में अल्लाह के जिम्मे ये पुख्ता वादा है अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को वफा करने वाला कौन है लिहाजा अः मुसलमानों तुमने जो सौदा किया उस पर खुशियां मनाओ और यही बहुत बड़ी कामयाबी है सोचिए खरीदार कौन है आपकी जान का आपके माल का लेने वाला कौन है कौन है अल्लाह अल्लाह खरीदना चाहता है आपसे आपके जान और माल क्या आप उसकी राह में दे दें और ये दा कहाँ लिखा हुआ है तीन किताबों में तोरात इंजील और कुरान सब में दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में ये बात लिखी हुई है सबसे सच्ची किताबों में किसके जरिए ये माह करवाया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह के जरिए और मुआवजा क्या है जन्नत खरीदार भी बेहतरीन मुआवजा भी बेहतरीन जहां मुहिदा लिखा हुआ वो भी बेहतरीन जिसके जरिए कॉन्ट्रेक्ट कराया जा रहा है वो भी बेहतरीन ये सारी चीजें इंतहाई सच्ची और इंतहाई ऑथेंटिक कोई शक है फिर भी कि हम अपना वक्त अपनी जान अपनी सलाहियत अपनी जहानत अपना माल अल्लाह के रास्ते में ना लगाए खालिशन अल्लाह के लिए क्योंकि उसका बदला अल्लाह ने जन्नत लिखा और ये अल्लाह का सौदा इंतहाई कीमती सौदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला खबरदार सुन लो अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है सुन लो बेशक इन बेश जन्ना बेशक अल्लाह का सौदा जन्नत है तुमसे जान और माल लेता है और बदले में जन्नत देता है लेकिन याद रखिए, जन्नत हमारे अमाल का सिला नहीं हो सकती हमारे अमाल फिर भी थोड़े जन्नत खरीदने के लिए काफी नहीं फिर उसके बाद ये अल्लाह का फजल और रहमत होती है कि इंसान जन्नत तक पहुंच सके इस सौदा करने वालों की खसूसियात क्या होती हैं तोबा करने वाले यानी छोटी बड़ी गलती पर उनको धड़का लगा रहता है कि अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए कहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट मनसूख ना हो जाए आपने दुनिया में अगर किसी के साथ कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो कोई बिजनेस डील की हो तो आपको क्या होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसे हालात हो कि ये खत्म करना पड़े बीच में तो तौबा करते रहते बार बार अल्लाह की तरफ रुझू करते हैं अल्लाह भी इबादत गुजार होते हैं सिर्फ फर्ज अदा नहीं करते एक्स्ट्रा नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं मुमकिन हो तो तहज दुहा, नमाजों में सिर्फ फर्ज नहीं सुन्नते और नफ़ल भी अल्लादोन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते तारीफ करते हैं अच्छे हाल में भी और तकलीफ दे हाल में भी हर हाल में अल्लाह से राजी होते हैं अल्लमदल्लाहमदल्ला उनका तकिया कलाम होता है सियाहत करने वाले एक माना रोजा रखने वाले किया गया लेकिन ज्यादा तरजीह वाला माना यह है कि वो अपने घर से निकलते हैं किसके लिए हर जो उम्र के लिए इल्म हासिल करने के लिए नेकी के कामों के लिए यानी सिर्फ चैन से अपने कम्फर्ट जोन में बैठे नहीं रहते बल्कि निकलते हैं सायून है उन, करने वाले हैं यानी हम्बल हैं और नमाजों में भी रुकू करने वाले असाजिद खूब सजदे करने वाले अनिल अलूफी नेकी का देने वाले, और बुराई से रोकने वाले ये सारी सफात होती है उनके अंदर वाफिजून अली और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले वह बशरिन और मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए यानी जहाँ एक तरफ वो नेक काम करने वाले है दूसरी तरफ वो बड़ी एहतियात बरतते हैं जिंदगी में कि जहां जहां अल्लाह ने रोका है ना वहां रुक जाए हदों को पार ना करें जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उनको अपनी जिंदगी में हराम कर लें, चाहे वो अकवाल में से हो चाहे वो अफाल में से हो चाहे माकूलात और मशरूबात में से या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में से यानी हर मामले में हमें हदूद बता दी गई है किसी भी काम की कि कहां तक जायज है कहां से नाजायज शुरू हो जाता है हद तक के शक में पड़ने वाली चीजों से भी परहेज करना चाहिए तो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जान और माल का सौदा कर रखा है ये है जिन्होंने अपना आप बेच रखा है तो हम बिके हुए लोग हैं हमें अपने आप को शैतान के हाथों नहीं बेचना अपनी ख्वाहिशात के हाथों नहीं बेचना अल्लाह को बेचना है ताकि बदले में जन्नत मिल सके और वैसे भी पैदा भी हमें अल्लाह ने किया जो कुछ माल जान है वो भी अल्लाह का इल्म है तो वो भी नेकी की कोई तोफीक और कुदरत है तो वो भी अल्लाह की दी हुई है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है कि जिसने सब कुछ दिया वापस उसी को देके उससे इनाम ले रहे हैं कितना बड़ा फजल और कितनी बड़ी रहमत नबी और ईमान वालों के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो मुशरकों के लिए बख्शिश तलब करें खा वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो जबकि उन पर यह बात वाजे हो चुकी है कि मुशरकिन दो जख वाले हैं तो याद रखिए ईमान की तकमील के लिए अल्लाह की रजा को मुकदम रखना जरूरी है और इब्राहिम ने जो अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ की थी आजर के लिए जो मुशरिक था तो वो सिर्फ इसलिए थी कि उन्होंने अपने बाप से इस बात का वादा किया हुआ था फिर जब उन पर वाजे हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे बेजार हो गए अपने वालिद से शिर्क की वजह से बिलाशुबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुरदार इंसान थे अल्लाह ताला ने उनकी खूबियां बयान की हैं हम देखें कि क्या हम भी उनके नक्शे कदम पर हैं या नहीं अल्लाह ताला किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह नहीं किया करता हत्ता कि उन पर यह वाजे न कर दे कि उन्हें किन किन बातों से बचना चाहिए अल्लाह ताला यकीनन हर चीज को जानने वाला है आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही के लिए है वही जिंदा करता है वो ही मारता है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई सरपरस्त और मददगार नहीं अल्लाह ताला ने नबी महाजरीन और अंसार पर मेहरबानी की जिन्होंने बड़ी तंगी के वक्त नबी का साथ दिया था याद रखिए, आम हालात में अमन में सुकून में वसायल के होते हुए किसी खैर के काम में किसी का साथ देना तो फिर आसान होता है लेकिन जब हर तरफ से तंगी और आजमाइश हो जैसे गजबे तबूक के मौके पर उसकी तरफ इशारा है और उस वक्त नेकी के काम में किसी का साथ देना कि जब आप खुद भी हैंड टू माउथ हो एक होता है आपके पास फारिग वक्त है फिर आप किसी की खिदमत करने चल पड़े और एक ये कि आपके भी अपने सौ काम हैं और आप उनको छोड़कर फिर अल्लाह की खातिर निकलते हैं और दूसरे की मदद करते हैं एक ये है कि आपके पास बहुत माल है और उसमें से थोड़ा सा दे दे और एक ये है कि आप खुद भी हैंड टू माउथ हैं और फिर आप उसमें से भी निकाल के दूसरे को देते तो ये अला तरीन दर्जा होता है और ये अल्लाह के यहाँ बिकना होता है तो अल्लाह सुबहान तला उन पर मेहरबान होता है जिन्होंने तंगी के वक्त नबी का साथ दिया अगर चे उस वक्त बाज लोगों के दिल कजी की तरफ मायल हो चुके थे नहीं वो हिम्मत हारे याद रखी मुश्किल वक्त में ना हिम्मत टूटने लगती है तो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी भी चाहिए फिर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया ये अल्लाह की रहमत होती है कि हमारी रिलेक्टेंसी के बावजूद अल्लाह ताला हमें नेकी के काम की तोफीक देके उनसे करवा लेता है इस सरासर अल्लाह का फजल होता है क्योंकि अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है कितना शुक्र अदा करे इंसान अल्लाह का कि जो कुछ करवा लेता है और करने की तौफीक दे देता है आज हम सबका यहाँ आ बैठना मुझे मालूम है आप में से एक, -एक अपने घर और बच्चों और जॉब्स और किस किस चीज में कितना मसरूफ है एक बहन मुझे मिली यहाँ पर वो कहने लगी मैं नाइट शिफ्ट करके आती हूँ रोजाना सिर्फ दो घंटे सोकर यहाँ पहुंच जाती हूँ कुरान की मोहब्बत में कैसे कैसे छुपे हुए लोग आपके अंदर मौजूद है कि जो बड़ी बड़ी कुर्बानियां करके कुरान की मोहब्बत में यहां पहुंचते हैं तो हर एक का दर्जा फिर उसी के मुताबिक है जितनी मशक्कत उतना ही बड़ा अजर फिर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया ये अल्लाह की रहमत होती है क्योंकि अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है याद रखिए कुछ कामों पर नफ्स मायल नहीं होता वो नफ्स पे बड़े ग्राह होते हैं आगे तवील तरीन रोजे और छोटी छोटी रातें और रातों का क्याम फिर एक मुश्किल मरहला आ रहा है और ये भी अल्लाह की तोफीक से ही होगा तोफीक मांगते रहिए आसानी मांगते रहिए और जब अल्लाह ताला किसी चीज को आसान कर देता है तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये अल्लाह ने मुझसे करवा लिया मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं और फिर यह है कि कुछ काम तो बड़े पसंदीदा होते हैं हमारी मर्जी के शौक के तो उनको करके हमें मजा आता है लेकिन कभी कभी कुछ काम जिंदगी में नेकी के ऐसे भी करने पड़ जाते हैं जो नफ्स में बड़े ग्राह होते हैं उनको भी कर लेना चाहिए क्योंकि जो काम नफ्स के खिलाफ किया जाता है उसमें उतनी ही ज्यादा बरकत हो जाती है वो थोड़ा सा भी हो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है फिर इसी तरह बाजोकत सरकम हमारे फेवर में नहीं होते घर का माहौल नहीं होता लोग नहीं होते सवारी नहीं होती बहुत सी मुश्किल होती हैं। इसके बावजूद इंसान जब डिटरमेंट होता है ना ये करना है और अल्लाह से दुआएं मांगता है और अल्लाह से सहूलत मांगता है अल्लाह देते हैं तजुबा करके देख लीजिए अल्लाह को सिर्फ आपकी नीयत आपका इरादा और आपके दिल की हालत चाहिए कि ये अंदर से क्या चाहते हैं क्योंकि मुश्किल पता क्या है बाहर नहीं है हमारे अंदर ज्यादा है। हम हिम्मत तोड़ के बैठ जाते हैं जब किसी नेकी के लिए एक बर्निंग डिजायर होती है तो सारी जंजीरें कट जाती और इंसान अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है तो अल्लाह तसान को मुसलसल ऐसी आजमाशों के साथ आजमाता है जिनको वो नापसंद करता है और फिर अल्लाह ताला उसको उस मरतबे तक पहुंचा देते बाजुकात एक बंदे के लिए अल्लाह ने आला मरतबा रखा होता है लेकिन वो अमाल में बड़ा सुस्ता होता है तो अल्लाह ताला उसको किसी इम्तहान में डाल देते और उस आजमाइज में डालकर उसको वहीं पहुंचाते ये भी अल्लाह का फजल होता है लेकिन जब मुश्किल आती है तुम कहते है शायद अल्लाह हमसे नाराज है ये शैतान का वसवसा होता है तो इसलिए हर हाल में अल्लाह और क्यामत के दिन बुलंद मरतबों वाले होंगे हमादून जो हर हाल में अल्लाह की तारीफ करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते रहते हैं वो अल सतीदीन खुल्लिफू और उन तीन आदमियों पर भी मेहरबानी की अल्लाह ने जिनका मामला मुलतवी रखा गया था मुनाफिकीन ने आके झूठी कस्में खाई कुछ और लोगों का मामला भी निबट गया अब तीन लोग ऐसे मदीना में रह गए कि जिन्होंने बस सिर्फ सुस्ती के मारे अच्छा कल निकलते हैं परसों निकलते हैं और फिर फौज बहुत आगे निकल गई और वो पीछे के पीछे ही रह गए और पीछे रहकर भी उनको बड़ी तकलीफ होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो मुनाफिकीन तो झूठे उजर करके अपना मामला साफ करके चल दिए लेकिन ये तीन सच्चे लोग थे इन्होंने झूठ नहीं बोला लेकिन इनपे वक्ती तौर पे बड़ी सख्त आजमाइश आई चालीस दिन तक सब ने इनसे सोशल बायकॉट कर दिया नबी वसल्लम समेत कोई इनसे बातचीत नहीं करता था और फिर आखिर में इनको भी अल्लाह ने माफ फरमा दिया तो कभी ऐसा भी होता है कि हमारी गफलत और कोताही हमें किसी मुसीबत में मुबतला कर देती है तो वो भी गुनाहों को धोने का जरिया होती है और इन तीन आदमियों पर भी मेहरबानी की जिनका मामला मुलतवी रखा गया था हत्या की जमीन अपनी फराखी के बावजूद उनपे तंग हो गई क्योंकि कोई उनसे बात नहीं करता था और उनकी अपनी जाने भी तंग होगी वो अपने आप से भी बेजार हो गए क्योंकि सोशल इंटरेक्शन इंसान की बुनियादी जरूरत होती उसको सुबह उठते ही किसी से बातचीत करने की जरूरत है आप सोचिए चालीस दिन आप किसी से बात ना करें और कोई आपके सलाम का जवाब भी ना दे तो कितना मुश्किल वक्त होगा यानी आप देखिए हमें थकावट होती है तंगी होती है तकलीफ होती खुशी होती है हम हर चीज एक्सप्रेस करते हैं अपने प्यारों को बताते हैं आज ये हो गया आज वो इससे हमारा कथारसिस हो जाता है लेकिन जब कोई सुनने वाला ही ना हो तो गम के पहाड़ टूट पड़े उन पर और उन्हें यकीन था कि अल्लाह के अल्ला सिवा उनके लिए कोई जाए पनाह नहीं अगर झूठ बोलेंगे तो कोई और उन्हें पना नहीं देगा सच में ही फायदा है अगर जब वक्ती तौर पर मुश्किल है फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की ताकि वो तौबा करें अल्लाह ताला यकीनन तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है या अयोहदीना मनुतम सादकीन ऐमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच्चे लोगों का साथ दो मुनाफिकीन का नहीं झूठे लोगों का नहीं तावनु तावनु मदीना के लिए और उन देहा के लिए जो उनके गिरदो नवाह में बसते हैं ये मुनासिब नहीं कि वो जिहाद में वसल्लम से पीछे रह जाएं। यानी आपको तो मुश्किल वक्त में भेज दें कि वो दुश्मनों से लड़े और खुद आराम करें और अपनी जानों को आपकी जान से अजीजतर समझे ये इसलिए कि मुजाहिदीन अल्लाह की राह में प्यास थकान भूख की जो मुसीबत भी झीलते हैं या कोई ऐसा मकाम तय करते हैं जो काफिरों को नागवार हो या दुश्मन से वो कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो उनके लिए नए कमल लिख दिया जाता है जब इंसान अल्लाह के रास्ते में होता है ना, तो हर छोटी बड़ी चीज पर अजर लिखा जा रहा होता है यानी इंसान अगर रुजू करके मस्जिद में जा बैठता है तो जब तक वो नमाज का इंतजार करता है वो नमाजी की हालत में गिना जाता है तो जब आप किसी नेक काम की नीयत कर लेते हैं तो अजर शुरू हो जाता है फिर सबी निकलते हैं इल्म हासिल करने के लिए या फिर आप हज और उमरे के लिए निकलते हैं आप घर से निकल पड़ते हैं सारा रास्ता आपके लिए वो नेकी लिखी जाती है एक एक कदम पर अल्लाह ताला यकीनन अच्छे काम करने वालों के अजर को जाया नहीं करता लेकिन याद रखिए नेक माल का अजर थकावट के मुताबिक है जितना किसी काम में आप अपने आप को ज्यादा थकाते हैं मेहनत करते हैं उसका अजर उतना ही ज्यादा हो जाता बाजुकात आपकी बहुत बड़ी एफर्ट होती है और आउटपुट छोटा सा होता है तो अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि आपका आउटपुट कितना है वो ये देखता है इसके पीछे एफर्ट कितनी बड़ी है इसी तरह ऐसे लोग जब रिटायर भी होते हैं तो उनको पेंशन मिलती रहती है यानी अगर वो बीमार हो जाए या सफर पर हों तो भी उनके नाम अमाल में वो सारे अमाल वैसे ही लिख दिए जाते हैं जो वो सेहत की हालत में मुस्तकिल तौर पर करते रहे हों और नेक अमल की तो नीयत पर भी अजर मिल जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने बिस्तर पर आए और उसकी नीयत यह हुआ कि रात को उठकर नमाज पढ़ूंगा तहज्जुद पढ़ूंगा फिर उस उसमें नींद का ऐसा गलबा हुआ कि सोते सोते सुबह हो गई तो उसको जिस अमल की यानी तहज्जुद की इस नीयत ने सलाह दिया उसका भी सवाब मिलेगा वो नींद भी उसके लिए सब आपका बायस बन गई तो तो लिखे गए और उसकी नींद उसके रब की जानब से उस पर सदका है यानी अल्लाह ता भी राजी है और उसको एक तरह से सुकून दे दिया जरूरत होगी इंसान की बाजू का ऐसा होता ना इंसान बहुत थका होता है इसके बावजूद उसका शौक होता है कि मैं कुछ कर लू लेकिन ऐन काम करते वक्त आपकी ऊंघ आ जाती आप बड़े शौक से मस्जिद आते खुतबा सुने सुनते सुनते बीच में गायब हो जाते हैं तो वो वक्त भी सवाब का लिखा जाता है क्योंकि आपकी नीयत काउंट हो रही है मुजाहिदीन जो भी थोड़ा या ज्यादा खर्च करते हैं या कोई वादी तय करते हैं तो ये चीजें इनके हक में लिख दी जाती अल्लाह ने इनके अमाल का बेहतर सिला अता करे जो वो करते रहे यानी छोटी बड़ी हर नेकी उनकी कबूल हो जाती है वाका मोमिनों के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो सब के सभी निकल खड़े हो तबुक में तो सबको निकलने का हुक्म था ना क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त था लेकिन यह हुक्म हमेशा के लिए बाकी नहीं रहा कि मैदान जंग में सबको नहीं निकलना फिर और क्या करना है अगर जिहाद फीस अभी ही नहीं कुछ और क्या है फिर इल्म का रास्ता फीस अभी ला है फिर ऐसा क्यों ना हुआ कि हर फिरके में से यानी हर खानदान हर बरादरी हर इलाके हर शहर गांव कस्बे में से कुछ लोग दीन में समझ पैदा करने के लिए निकलते हैं, यानी एक है फिजिकली इस्लाम की सरहदों का दिफा और दूसरा है इंटेलेक्चुअली इस्लाम का दिफा और वो होता है इल्म हासिल करके यानी सबको जंग में जाने की जरूरत नहीं चाहिए ये कि कुछ लोग दीन की समझ हासिल करने के लिए निकले ताकि जब वो उनकी तरफ वापस जाएं तो अपने लोगों को बुरे अंजाम से डराएं यानी हर इलाके से कुछ न कुछ लोग मखसूस होने चाहिए जो इल्म में ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल करें और बाकी जो कम्युनिटी है फिर उसको सिखाएं इस तरह शायद वो बुरे कामों से बचते रहें क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर उलमा होने चाहिए ताकि वो लोगों को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहें और वैसे भी हमारे दीन में आलिम को आबिद पर बहुत बड़ी फजीलत हासिल है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का तذکرہ किया गया उनमें से एक आबित था दूसरा आलिम तो आपने फरमाया आलिम की आबिद पर इस तरह फजीलत है जैसे मेरी तुम्हारे अदना तरीन आदमी पर अल्लाह सुबहानी कितना बड़ा गैप है एक आम मुसलमान और प्रोफेट मोहम्मद सल्लाह में अबू अम्मार हुसैन बिन हुरैस कहते हैं मैंने फजैल बिन इयास को कहते हुए सुना कि ऐसा आलिम जो अमल करने वाला है इल्म सिखाता है वो आसमान की बादशाहत में बड़ा आदमी पुकारा जाता है जैसे दुनिया में बड़े बड़े आदमी होते हैं ना तो ऐसे ही वो इल्म सिखाने वाला जो अमल भी करे वो आसमानों में बहुत बड़ा शुमार होता है तो आप खुद सोचिए कि एक वो स्टेटस है जो दुनिया में इंसान को मिले और एक वो है जो आखिरत में मिले लेकिन वो अमल के साथ मिलता है और आसमानों पर मिले जमीन के मुकाबले में आसमान तो आसमान ही है और आसमानों पर जो मखलूक है वो जमीन वालों से अफजल है तो इंसान को हमेशा बड़े दर्जों की तमन्ना रखनी चाहिए इल्म के लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए और उसमें हर रोज इजाफा होना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज की दुआ सिखाई गई वो मालो दौलत के हसूल की नहीं थी और अब जिदनी थी अल्लाह मेरा इल्म ज्यादा कर दे और फिर इल्म के साथ साथ अमल में भी आगे बढ़े इंसान तब इल्म का फायदा होता है याद रखिए इल्म सिखाने वाले के लिए सारी मखलूक दुआएं करती हैं

और खानदान की खबरें कुछ बुजुर्ग खातिन को पता होती है कौन क्या कर सारा दिन फोन लेके इधर उधर की खबरें मालूम करके फिर शेयर करते तो इससे बेहतर है कि इल्म हासिल करके फिर अपने घर वालों के साथ शेयर किया जाए अन्नी वलव आया मुझसे आगे पहुंचाओ एक आयती क्यों ना जरूरी नहीं कि दो घंटे का लेक्चर हो एक बात भी अच्छी जो आप किसी से शेयर कर लेंगे वो आपके लिए खैर और भलाई का बायस बनेगी रसूल सल्हम ने फरमाया वो शख्स जो इल हासिल करे फिर उसे बयान न करे यानी किसी को न बताए उसकी मिसाल उस शख्स की है जो खजाना जमा करता रहे फिर उसमें से खर्च कुछ ना करे तो वकील है इंसान फिर फिर, फिर फरमायादीना आमनु ऐमान वालो इन काफिरों से जंग करो जिनका इलाका तुम्हारे साथ मिलता है और उनके साथ तुम्हें सख्ती से पेश आना चाहिए और ये जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है और जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो मुनाफिकों में कुछ लोग ऐसे हैं, जो मुसलमानों से कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान में इजाफा किया तो उसका जवाब यह है कि जो लोग ईमान लाए हैं इस सूरत ने फिल वाक उनके ईमान में इजाफा किया है और वही इस सूरत के नाजिल होने पर खुश होते हैं याद रखिये है, कुरान पढ़कर मोमिन का ईमान बढ़ता है मुनाफिक का निफाक बढ़ता है तो हमें सोचना चाहिए कि फिर हम किस सफ में शामिल हैं यानी मुनाफिकीन एक दूसरे से कहते हैं किसका ईमान बड़ा है और दूसरे हंसी मजाक में टालते हैं यानि कुरान को उसके मर्तबे से गिराते हैं लेकिन ईमान वालों के पास जब कुरान की कोई बात पहुंचती है तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और कुरान से ईमान में इजाफा होता है तीन बातें जिसमें वो अल्लाह उसके दिल को ईमान से भर देता है आलिम की सोहबत कुरान की तिलावत और रोजे रखना वह अमल कलूब हिम मरद उन रहे वो लोग जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है तो इस सूरत ने उनकी पहली नापाकी पर मजीद नापाकी का इजाफा कर दिया और वो मरते दम तक काफिर के काफिर ही रहे इन मुनाफिकीन को कुरान ने कुछ फायदा न दिया उनकी खराबियां और ज्यादा होती रही तो कुरान का दिल पर असर न होना दिल के बीमार होने की अलामत है क्या वो ये नहीं देखते कि उन्हें हर साल एक बार या दो बार कोई ना कोई मुसीबत पेश आ जाती है यानी अल्लाह ताला इन पे आजमाइशे भेजते कि शायद होश में आ जाए फिर भी ये लोग ना तौबा करते हैं और ना नसीहत कबूल करते हैं और जब कोई सूरत नाजिल होती है तो ये मुनाफिक आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ इशारा करके पूछते हैं क्या तुम्हें कोई मुसलमान तो नहीं देख रहा फिर वहां से वापस चले जाते हैं यानी जब आंख ओझल होती है तो चुप कैसे मजलिस से निकल जाते हैं अल्लाह ने इनके दिलों को राह हक से फेर दिया है क्योंकि ये लोग हैं ही ऐसे जो कुछ भी नहीं समझते मजलिस में हो तब भी नहीं समझते न आए तो तब भी इनको होश नहीं अपनी गलती का एहसास नहीं लकज्जा रसूल लोगो तुम्हारे पास तुम्ही में से एक रसूल आया है इंसानों में से ही है अहले अरब तुम्ही में से है रसूल अरबी है अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो उसे ग्रां गुजरती है सुबह अल्लाह एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि साथियों में से किसी को कोई तकलीफ हो तो उसको भी तकलीफ पहुंचे वो तुम्हारी फलाह का हरीस है यानी उसके अंदर एक शदीद तड़प है कि सब लोग हिदायत पा जाए मोमिनों पर नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है नबी सल्लाम की यह हिर्स थी कि सब लोग आग से बच जाए पर मैं मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की जब उसके चारों तरफ रोशनी फैल गई तो परवाने और कीड़े मकोड़े जो आग पर गिरते हैं उसमें गिरने लगे वो आदमी उनको आग से दूर करता है लेकिन वो उसके काबू में नहीं आते बल्कि आग में गिरते रहते हैं इसी तरह मैं तुम्हारी कमरों से पकड़कर तुम्हें आग से दूर करता हूं और तुम हो कि उसमें गिरते जा रहे हो आप वसल्लम ने उम्मत की खातिर अपने आराम को तर्क कर दिया था आप उनकी तकलीफ का ख्याल रखते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नमाज शुरू करता हूँ और मेरा इरादा लंबी नमाज पढ़ाने का होता है लेकिन मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूं तो मैं उसकी वालदा की तकलीफ की शिद्दत की वजह से नमाज छोटी कर देता हूँ किसकी की माँ को तकलीफ ना हो क्या हम भी दूसरों के लिए इतने केयरिंग है किसी को तकलीफ ना पहुंचे तो हर वो शख्स जो लीडरशिप के मकाम पर है उसको लाजमन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके साथी किस हाल में है किसी तकलीफ में तो नहीं आप उम्मत के लिए रोते थे उनके लिए दुआएं करते थे फिर अगर लोग एराज बरते हैं, तो इनसे कह दीजिए फकुल अल्लाह अलैहि तवक्ल तो रब्बुल अर्शिल अजीम कि मुझे मेरा अल्लाह काफी है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं मैं उसी पर भरोसा करता हूं और वो अर्श अजीम का मालिक है तो ये कलमा बड़ा अहम कलमा है परेशानियों में किफायत करने वाला है सुन नबी दाऊद की रिवायत में आता है जिसने सुबह शाम सात बार ये पढ़ा अल्लाह उसकी परेशानियों में उसकी किफायत करेगा और अगर कोई आप पर इल्जाम लगाए या तकलीफ दे जिसका आपके पास जवाब न हो तो भी हस भी अल्लाह व नल पढ़े